भाई वो ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यस बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप्स वगैरह आ चुकी है कि अंदर ही है बंदे, ग्राउंड फ्लोर पे ही है। घातक में भी अंदर जाने की कोशिश कर सकते हैं। स्वैग को रिवाइव किया जा रहा है, जस्ट सामने वाले कंपाउंड में रिवाइव कर रहा है। ओके नहीं, स्टेयर्स के पास में भी रिवाइव कर रहे हैं। यस बिल्कुल, स्टेयर्स के पास है जस्ट, और घातक डाउन होते हुए। और अब ऑन कोर बाकी सारे मेंबर्स रश करेंगे। एक मेंबर्स डाउन हो चुका है। डीकॉट की बात करें तो जस्ट इस ब्रोकन वॉल के पीछे ऑन कोर अभी भी होल्ड पे बैठे हुए। ओके ब्रोकन वॉल नहीं, दूसरे वाले घर पे है। बट क्लच गॉड भी डाउन होते हुए, दो मेंबर्स डाउन हो चुके हैं एंटिटी के। जी गॉड बचे हुए हैं अकेले अपनी टीम से, पोजीशन पॉइंट के लिए खेल सकते हैं, नहीं देखना पड़ेगा। स्वैग दूसरे साइड से आते हुए नॉक किया है, फिनिश करने की कोशिश हो सकती है अभी, लेकिन घातक को फिनिश किया गया विक्से के द्वारा। और गोर की बात करें, दूसरे साइड से रोटेट करते हुए ड्रॉप शॉट मारा। जी गॉड काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं अपने आप को। और विक्से की बात करें, स्पॉट किया उन्होंने जी गॉड को और एलिमिनेट किया एंटिटी की स्क्वाड सबसे पहले। एलिमिनेट प्लेयर ड्रॉप ऊपर के साइड आता हुआ, सीधी काफी ज्यादा डैमेज होते हुए उछले और नॉक डाउन हुए। उछलना थोड़ा सा गलत साबित हुआ। फाइनल बॉस डाउन होते हुए सांगवान के द्वारा। और इवो की बात करें ऊपर, रोच अभी भी जिंदा, काफी ज्यादा डैमेज ले लिया है, इवो को डाउन कर सकते हैं। डाउन किया ड्रिगर ने, रोच काफी कम एचपी पे बचे हुए हैं। पीछे से भी शॉट पड़ता हुआ, रोच डाउन होंगे आई गेस। 1 HP पे डाउन किया उन्होंने, बट नहीं, ड्रिगर ने भी डाउन किया रोच को। सांगवान आई गेस अकेले बचे अपनी टीम से, दो मेंबर बचे हुए 7 CS के। रेड जोन अभी भी इनके ऊपर खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। सांगवान अकेले बचे अपनी टीम से, 1v4 का सिचुएशन होता हुआ आई गेस 7 CS के मेंबर्स रिवाइव कर लेंगे अपने मेंबर्स को, और पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं 7 CS पे। सरप्राइज देंगे और बिल्कुल सरप्राइज देंगे। वीरू को नॉक किया, एक को फिनिश किया, वीरू को नॉक किया, ट्रिगर को नॉक करने की कोशिश बट मिस किया, दो को नॉकआउट कर चुके थे आई गेस, एक को उन्होंने फिनिश भी किया। चार केल अपने नाम बटोरते हुए 7 CS की स्क्वाड आउट हुए हैं, फिनिश भी हो जाएंगे इनसे। नरूटो डाउन फिनिश। सोल की स्क्वाड की बात करें, टीओडी के काफी ज्यादा क्लोज है। मॉर्टल अभी भी शॉट ले रहे हैं। ओके सामने से गाड़ी करता हुआ और नहीं, वाइपर दूसरे साइड से है। हर जगह काफी ज्यादा फाइट हो रही है। नूब भी डाउन हो चुके हैं, मॉर्टल और अमन अकेले बचे हुए। अमन भी डाउन हुआ है इस प्ले जोन के बाहर, मॉर्टल अकेले बचे अपनी टीम से। 57 सेकंड्स फॉर द नेक्स्ट जोन, वाइपर को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। नूब भी डाउन होते हुए कार्नेज के द्वारा और फिनिश भी हो जाएंगे इनसेन। और 0° की स्क्वाड अब रश करिए, पता है मॉर्टल अकेले बचे हुए। डार्क भी डाउन होते हुए फिनिश किए जाएंगे 7 CS के। फाइनल बॉस डाउन, सोलोमन डाउन और फिनिश प्ले जोन के बाहर। ड्रिगर की बात करें तो डाउन हुए एश के द्वारा आई गेस। यस बिल्कुल, कार्नेज की बात करें, मॉर्टल की स्क्वाड जस्ट एलिमिनेट होने के कगार पे। 0° पूरी तरीके से रश करते हुए वाइपर को रिवाइव किया, मॉर्टल अकेले बचे अपनी टीम से। और सोल की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होती हुई। MYM के मेंबर्स भी जिंदा है, ब्लास्टी काफी ज्यादा क्लोज जा चुके हैं MYM के। MYM माफिया की बात करें क्लोजिंग करते हुए, बट नहीं, ब्लास्टी ने फिनिश किया माफिया को और डाउन हो गए। फिनिश भी हुए आई गेस पीछे से, ओवेस ने फिनिश किया बिलीव को। MYM जॉन भी डाउन फिनिश, ब्लास्टी अकेले बचे हुए। अच्छा किस्मत उनका कि पीछे से फनेटिक स्क्वाड ने थर्ड पार्टी किया माफिया पे। और BFR अभी भी अपनी टीम से जिंदा। आईएनडी की बात करें तो डाउन होते हुए ब्लास्टी और आईएनडी के स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए। क्रैथोस को डाउन किया स्काउट ने, आईएनडी स्नैक्स का किल कंफर्म किया ब्लास्टी ने। 7 किल अपनी टीम से निकाला ब्लास्टी के पास। को पता है फनेटिक स्क्वाड काफी ज्यादा ओपन में फंस चुके, बट नहीं, द ड्यूड डाउन होते हुए स्काउट के द्वारा। मैक्सिकस की बात करें तो दूसरे साइड पे कवर देते हुए ब्लेसी की बात करें, ओके काफी ज्यादा दूर है, पीछे के साइड पे शॉट ले रहे हैं, मुझे नहीं पता किससे बट ले जरूर रहे हैं वो। ब्लेजी की बात करें रिवाइव करेंगे। फनेटिक स्क्वाड अभी भी 4 मैन स्ट्रॉन्ग है। 0° को हर हाल में जोन के अंदर रश करना पड़ेगा। टीम नंबर 9 आई गेस जस्ट एज पे। पान सिंह स्मोक्स वॉल बना चुके हैं ब्लास्टी जोन के अंदर आते हुए। फनेटिक की 4 मेंबर अभी भी जिंदा। ब्लेजी दूसरे साइड से आते हुए काफी ज्यादा डैमेज लिया प्ले जोन के बाहर। द ड्यूड डाउन ब्लेजी की बात करें तो वो भी डाउन हो चुके हैं एश के द्वारा। मैक्सकस और पान सिंह बचे हुए ब्लास्टी पीछे के साइड से। मैक्सकस ने आई गेस डाउन किया किसी एक मेंबर को, आई गेस ओवेस डाउन है। बिल्कुल ओवेस डाउन है, एश काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं। व्हीकल लगभग बर्स्ट होने के कगार पे, शायद एक व्हीकल बर्स्ट है नहीं या सारी व्हीकल बर्स्ट हो चुके हैं। कवर अच्छा बनाया फनेटिक स्क्वाड ने। एक बार फिर से जोन शिफ्ट होता हुआ और इस बार जोन 0° स्क्वाड पे है। फनेटिक को अब जोन में जाना पड़ेगा। दो मेंबर्स डाउन होते हुए पान सिंह के द्वारा, ओवेज भी डाउन, रौनक भी डाउन। स्काउट अकेले जिंदा अपनी टीम से और रौनक उनको थोड़ा सा कवर देंगे, रिवाइव कर रहे हैं आई गेस ओएस और बाकी सारे एश को रिवाइव कर रहे हैं। पैन सिंह की बात करें, ब्लेजी अभी भी नॉकडाउन पड़े हुए। मैक्स ब्लास्टी की बात करें, पीछे से डैमेज देते हुए स्काउट को। मैक्स का ओके, स्काउट भी डाउन होते हुए अकेले आई गेस बचे हुए। रौनक देखना पड़ेगा अपनी टीम के लिए क्या कमाल कर सकते हैं। 0° की स्क्वाड रश करते हुए सेकंड चिकन डिनर निकाल सकते हैं नहीं। इसी के साथ फनेटिक की स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए, ब्लास्टी अकेले बचे हुए अपनी टीम से। 1v3 का सिचुएशन, 1v2 का सिचुएशन है ब्लास्टी के लिए, बट नहीं, चिकन डिनर फॉर 0° स्क्वाड आई गेस काफी ज्यादा किल्स के साथ।